हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। यूरिन की समस्या दोस्तों आजकल इतनी ज़्यादा हो रखी है कि इस पर अगर 100 वीडियो भी बनाया जाए दोस्तों कम पड़ेगी। मैंने कई वीडियो जिस पे दोस्तों बनाया हूँ और आप लोग को लाभ हो रही है, मगर थोड़ा सा इसको और बेहतर ढंग से एक अच्छा वीडियो कोशिश करता हूँ आपको देने के लिए कि आपको ये मददगार साबित हो और आपकी समस्या भी दोस्तों दूर हो। मेन क्या समस्या होती है? एक, यूरिन पास करते समय तकलीफ होना, यूरिन ड्रॉप होना, यूरिन में स्मेल रहना, जलन होना, स्टोन हो जाना, या फिर हमारा यूरिन में प्रोटीन वगैरह आना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जो आप मेरे से व्हाट्सएप में शेयर करते हो। इसके साथ साथ जब ये चीज़ें बढ़ जाता है, जैसे प्रोस्टेट एनलार्ज्ड हो जाना या अदर अंदर कोई और मेजर मुसीबतें, मेजर समस्या आ जाती है, तो दोस्तों उससे भी लड़ते लड़ते आदमी परेशान हो जाता है। कई सर्जरी में हम तो ऐसे लोगों को देखें, कई सर्जरी फेस कर चुके हैं फिर भी दोस्तों उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कई बार तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई समस्या है ही नहीं, और तब तक चार चार सर्जरी दोस्तों हो जाती। कैसे हमको इससे निजात मिले? पहले भी मैंने बताया हूँ कि आप पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 26 का सही ढंग से इस्तेमाल करो और 16 नंबर भी, यानी 11, 16, 18, 26, इसका अगर सही इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपको यूरिन की तकलीफ कम हो जाएगी। मेरे जानने में जितना आप लोग मेरे से शेयर किए हो, कुछ ना हो 50,000 से ज़्यादा लोग को यूरिन की जो समस्या थी उसमें कमी हुई है या फिर जड़ से खत्म हो गई है। आज जो मैं आपको गाइडलाइन देने जा रहा हूँ ये उसी के ऊपर आधारित है दोस्तों। एक, अगर कॉमन यूरिन प्रॉब्लम आपको है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है, तो आपको क्या करनी चाहिए? नारियल का पानी हर रोज एक जरूर सेवन करनी चाहिए। अनार का जूस दोस्तों हर रोज कम से कम आपको 400 ml तक पीनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी हालत और हैसियत क्या है, 200 ml से लेकर 400 ml तक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर जिसको समस्या है वो, और जिसे कम समस्या है वो भी, फिटकरी का पानी, यानी थोड़ा देर पानी में फिटकरी डालो और फिर फिटकरी निकाल लो, वो पानी को आप पी लो। दिन में ऐसे 3-4 ग्लास अगर आप पीते हो तो मेजर प्रॉब्लम वाले भी और माइनर प्रॉब्लम वाले उनकी सबकी समस्या ठीक हो जाएगी विदाउट एंटीबायोटिक। इसके साथ साथ हल्दी का पानी बना के, कच्चे हल्दी को आप अच्छे से उबाल के उसको नॉर्मल कर लें, उसके बाद वो ठंडा मतलब रहना चाहिए, उससे आप अपना पेनिस हो गया या फिर वेजाइना हो गया इसको साफ कर सकते हो। दो तरीके से साफ कर सकते हो, एक आप फिटकरी पानी से भी साफ कर सकते हो या फिर आप हल्दी पानी से भी साफ कर सकते हो। देखा गया है कि अगर हल्दी पानी जिसे सूट करता है, अगर वो दिन में सुबह सुबह उठ के भी 2 ग्लास पी लेते हैं तो भी उनकी यूरिन की समस्या दोस्तों ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी सारी गुण दोस्तों हैं। तो ये हो गया आपको मोटे मोटे होम रेमेडीज। इसके साथ साथ आप पॉइंट को ढंग से देखो और समझो, सीखो। जैसे कि ये जो नई वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस तरीके से आप वॉशरूम में जाके इस्तेमाल करना। जो पुराना टेक्निक अप्लाई करके उनको लाभ हो रहा है, फिर ये टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें लाभ नहीं हुआ है अभी तक वो ये टेक्निक अप्लाई करें, और जो अभी नया नया शुरू कर रहे हो इस वीडियो को देख के, इसी तरीके से दोस्तों करना। आप यूरिन पास जैसे शुरू करते हो, आप यहाँ से जो बीच वाला हिस्सा होता है, यानी एल्बो और रिस्ट का जो बीच का हिस्सा होता है, यहाँ से दोस्तों इस तरीके से पहले दबाएं, ऐसे पूरा यहाँ तक ए लेवल तक आना चाहिए।
लेवल आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ तक ये पूरा लाइनिंग जो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, पहले आपको ऐसे ऐसे दबानी है, ठीक, दो चार बार इसको पहले दबा लीजिए। फिर क्या करनी है ना, इस साइड पे जाइए, यानी आपका थंब के साइड पे, यहाँ इस साइड से, यहाँ से ऐसे 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 दबाते जाइए, और यहाँ से फिर इसको मिक्स कर लीजिए, यहाँ ये सीधे जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लीजिए और ये दबाते हुए यहाँ लेके एंड करिए। फिर उसके बाद लिटिल फिंगर के साइड से आइए, ऐसे इधर से लीजिए, फिर यहाँ बीच में लेके एंड करिए, ठीक है। अब उसी तरीके से दोस्तों आप राइट साइड में भी करिएगा, यहाँ शुरू करिए, यहाँ से दबाते जाइए, ऐसे तीन चार बार आप ऐसे दबा लो, फिर आप थंब के साइड से लीजिए लेके, फिर बीचों बीच यहाँ जाना है आपको, यहीं पे इस तरीके से, फिर लिटिल फिंगर के साइड से, मतलब ये सारा आपको एक पॉइंट को आपको दबानी है, और इधर तो आपको दबानी दबानी है, मगर आपका जो मूवमेंट है इस तरीके से करना। ये जब आप यूरिन पास नहीं कर रहे हो तब भी एक दो बार आप दबा सकते हो, मगर इतना भी ना दबाना कि एरिया आपका दर्द हो जाए, जैसे दर्द ना हो, ठीक है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है, 11 नंबर पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, जिन्हें प्रोस्टेट के कारण हो रही है वो सीधे सीधे यहाँ दबा के यूरिन पास करें, इधर और यहाँ 11 नंबर पॉइंट सीधे दबाओ, उनको 11 दबानी है, यहाँ 18 नंबर दबानी है, इधर 26 नंबर दबानी है। अगर उसके साथ साथ डायबिटीज़ है तो दोस्तों यहाँ इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, प्रोस्टेट भी है और डायबिटीज़ है, तो इधर ये आप डायबिटीज़ पॉइंट दबा लो, इधर यूरिनरी ब्लैडर यानी 18 नंबर पॉइंट दबाओ, यहाँ 26 नंबर दबाओ, और यहाँ 11 नंबर यानी प्रोस्टेट को मेजर दबाइए, 18 नंबर दबाइए, किडनी दबाइए, और 25 नंबर यानी आपका पैनक्रियास दबाइए। इन्फेक्शन अगर है तो ये है दोस्तों आपका 16 नंबर पॉइंट, यहाँ ये आपका इन्फेक्शन के लिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी किताब आपके साथ हो तो आप सारा कलरफुल फोटो किताब में देख लेना, 16 नंबर पॉइंट यहाँ है, इसको लिम्फाटिक पॉइंट भी कहा जाता है, इससे आपका इन्फेक्शन वगैरह दूर होगा, यानी 16 नंबर यहाँ, 18 नंबर यहाँ, आपका 26 नंबर यहाँ, आपका 25 नंबर जो आपकी डायबिटीज़ के लिए है। तो लंबे लेंथ में आपको ये मैंने बता दिया, आप यूरिन करते समय ये सारा पॉइंट आप दबाइए इस तरीके से, और जिनको प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम मेजर है, या फिर किडनी में स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, तो वो 18 नंबर और 26 नंबर और 11 नंबर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यहाँ 18, यहाँ 26, यहाँ आपका 25। शुगर वगैरह जिनको है उनको भी तो यूरिन का इन्फेक्शन लगा रहता है, यूरिन में जिनका झाग वगैरह जाता है, याद रखें दोस्तों कहीं ना कहीं वो प्रोटीन लॉस का सिम्टम्स हो सकता है। जिन्हें भी झाग होती है यूरिन में, तो वो तुरंत डॉक्टर परामर्श करें और अपना प्रोटीन वगैरह दोस्तों चेक करा लें। इसमें आप ऐसे क्लैपिंग थेरेपी भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से ये वाले हिस्से पे, सुबह 5-10 मिनट, दोपहर में खाना खाने के पहले, रात में डिनर के पहले, या शाम के समय ऐसे आप क्लैपिंग वगैरह दोस्तों कर सकते हैं, ये सारा, तो इससे भी दोस्तों आपको ज़बरदस्त लाभ होगी। तो मैं होम रेमेडीज भी थोड़ा बताया, पानी हर 1 घंटे ज़रूर पियो, जिनकी भी नशा करने की आदत है तुरंत दोस्तों नशा छोड़ दो, उसी में भलाई है, सिगरेट तंबाकू गुटखा बिल्कुल छोड़ो, कलेजा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, काला हो जाता है, कार्यक्षम नहीं रहता है, और घर बैठो मगर अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहो जिससे आपके शरीर में खून चलता रहे। और जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, टेक्निकलिटी के लिए किताब देखो दोस्तों, कितनी सुंदर किताब है, एक किताब आप जरूर ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं, हिंदी है ये, और ये है आपका अंग्रेजी,
बहुत बढ़िया और सुंदर कलरफुल फोटो के साथ ऑनलाइन मंगाएं, इसका लाभ उठाओ दोस्तों। घर में रहेगा तो दवाई नहीं आएगी घर में, 10 बार जाके क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ेगा अस्पताल में, अस्पताल में जाके लाइन में खड़ा होना क्या आसान काम है। खून दोगे फिर खून का टेस्ट के लिए 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करोगे, उससे अच्छा नहीं है कि यूरिन का समस्या ही ठीक हो जाए, आपको बार बार यूरिन की टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए जो मैंने मेहनत किया हूँ उसको सम्मान दीजिए और इसको ज़रूर घर लाएँ और इसका इस्तेमाल करें। जिन्हें भी एक्यूप्रेशर सीखना है डिजिटली वो हमें व्हाट्सएप करें। इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा काम जरूर जीवन में करें, मेहनत करें। रात का अभी 1 बजा है, हमने वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत किए। उम्मीद करता हूँ ये जो मेहनत है रात और दिन इसका लाभ आप उठाओगे। ये कोरोना युग है, ये हमें सिखाता है कि आप कुछ अच्छा करो और बुरे काम से आप दूर रहो। मैं और आप सब मिलकर देश का कर्जा जो है उसको चुकाएंगे और अच्छा काम करेंगे, इस मिट्टी के लिए बेहतर कुछ करके गुजरेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, ना ही आपको अस्पताल जाना पड़ेगा ना ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, होम आयुर्वेदा एवं एक्सरसाइज से आप कर सकेंगे। डॉक्टर दरवेश जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बीमारियों के साथ 26 घंटे की होम ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग आर DVDs एवं 64 GB का पेन ड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन Amazon पर उपलब्ध है। My Health in My Hand इंग्लिश एवं हिंदी किताब 51 तथा 101 बीमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन Amazon पे उपलब्ध है। दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पताल जाए घर बैठे अपना इलाज खुद करिए। डायरेक्टली किताब DVDs तथा पेन ड्राइव पाने के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8826767633। धन्यवाद।